ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଭର୍ଚୁଆଲ ଭାବେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭର୍ଚୁଆଲ ନୁହେଁ, ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦିବସ ଅଭିମୁଖେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଐତିହ୍ୟ ସହର ମହୀଶୂରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5ଟାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 15,000 ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସବରାଜ ବୋମାଇ, ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ 3,000 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସକାଳ 5:30ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ 7:00-7:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 5.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଗ ଦିବସ ଉତ୍ସବର ଥିମ୍ ରହିଛି ଯୋଗ ଫର୍ ହ୍ୟୁମିନିଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବିକତା ଲାଗି ଯୋଗ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 25 କୋଟି ଲୋକ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦିଏ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିହେବ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯୋଗ ଦିବସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥାଇ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଥିଓ, ଭାରତ ମେ ହମ ଇସ୍ ବାର ଯୋଗା ଦିବସ ହମ ଏକ ଐସେ ସମୟ ପର ମନା ରହେ ହୈଁ ଜବ ଦେଶ ଅପନି ଆଜାଦୀ କେ 75ବେ ବର୍ଷ କା ପର୍ବ ମନା ରହା ହୈ, ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ମନା ରହା ହୈ। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे, जो स्थान सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र रहे, वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसूरु पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। योग के ये प्रयोग स्वास्थ्य, संतुलन और सहयोग की अद्भुत प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिन योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहां घर के बड़े, हमारे योग साधक
दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं। कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों ना हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है, हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है, और हमें योग को पनपाना भी है। और जब हम योग को जीने लेंगे, योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा। रिपोर्ट शकला खबर।